मैं राजनीतिक दल हूं और मेरा काम है भारतीय जनता पार्टी का काम पूरे देश भर में पूरे राज्यों के अंदर अच्छी गुड गवर्नेंस सरकार के माध्यम से लोगों की सेवा करना। दिल्ली इज वन ऑफ देम। दिल्ली में एक विचित्र स्थिति है, बार बार हम वो सवाल करते हैं, आप कल चुनाव कराइए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने के लिए तैयार है और हम पूरा विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने जो विश्वास हमको दिया है और जो पिछले दो महीने में हमने काम किए हैं, हम उस विश्वास को आपको एक साइजेबल मेजोरिटी से करके दिखा सकते हैं। दूसरा सवाल, आप विकल्प की बात करते हैं, मैंने जो बात पहले दिन कही है वही बात मैं आज भी कह रहा हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो लगता है, प्रेसिडेंट रूल है दिल्ली के अंदर, उन्होंने एक विशेष परिस्थिति में ये दिल्ली सस्पेंडेड एनिमेशन में है, उन्होंने बर्खास्त करके, और अगर उनको ये लगता है कि दिल्ली में सरकार बनने की संभावना है, मैं तो दूसरा कहता हूं कांग्रेस और आम आदमी को, आप दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्यों आप कहते हैं? अगर आपको दिल्ली की सेवा करनी है, अगर आप दिल्ली को इतनी चिंता करते हैं, अगर आपको लगता है आम आदमी को दिल्ली में समस्या है और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, तो साहब आपके पास नंबर भी है, आप पहले भी बना चुके हो, आप दोबारा क्यों नहीं मिलकर बना लेते, दिल्ली की सेवा करें? व्हाई एवरी टाइम भारतीय जनता पार्टी, व्हाई बीजेपी? आप एक रेफरेंडम कराइए ना एमएलए का, मीडिया आप सामने है, मीडिया जाकर के सारे एमएलए से एक रेफरेंडम कराए और पूछे चुनाव चाहते कि नहीं चाहते, उनके एमएलए, आम आदमी के एमएलए, कांग्रेस के एमएलए, जिसके भी एमएलए है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, सवाल यह है कि उन्होंने एक व्रत लिया हुआ है कि उनको दिल्ली की जनता की सेवा करनी है, आम आदमी को भी कांग्रेस को भी। मेरा दूसरा कहना है, दोनों मिलकर के, मुद्दे भी वही है, लोग भी वही है, दल भी वही है, दोनों मिलकर के सरकार बना ले और दिल्ली की सेवा करें। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही, हम जो करेंगे उसको चुनाव के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, हम जो भी अच्छा कर रहे हैं चुनाव के दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि हम चुनाव के लिए कर रहे हैं, हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे। बीजेपी का जो काम है, हमको जो काम करना है गुड गवर्नेंस का, वो हम करते रहेंगे। दिल्ली की जनता को हम राहत देते रहेंगे, गरीबों को राहत देते रहेंगे, बिजली में राहत देंगे, अनऑथराइज कॉलोनी में राहत देंगे, यूथ को राहत देंगे, युवतियों को राहत देंगे, ये हमारा काम हम देते रहेंगे। अब केंद्र में सरकार तो अभी दो महीने पहले आई है, उससे पहले फरवरी से लेकर चार महीने क्या हुआ था, और दो महीने में अगर केंद्र सरकार दिल्ली की चिंता कर रही है तो इसमें परेशानी कांग्रेस को क्यों है? सरकार का काम है काम करना, सरकार का काम है डिलीवरी करना, और केंद्र सरकार के माध्यम से जो काम हो रहे हैं, बिजली की सब्सिडी है जो लेट होनी थी, हमने 11 अगस्त से हो गई, लोगों को उसका फायदा मिलना है, तो इसमें कहाँ दिक्कत है? और हर चीज को आप, इफ यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अगर आपको यही लगता है कि साहब हम चुनाव के मुद्दे से कर रहे हैं, देश में परिवर्तन हुआ है और लगातार लोगों को डिलीवरी देना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। अच्छा होता दिल्ली में चुनी सरकार होती और चुनी सरकार बनेगी जल्दी, लेकिन अभी जो विषय है उस विषय में हमारा काम है डिलीवरी देना, भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, लोगों को जो सहूलियत हम केंद्र सरकार के माध्यम से, और जो जो चीजें पेंडिंग थी काफी समय से नहीं हुई, 15 सालों से दिल्ली जो पिछड़ी है, केवल दिखावे भर के लिए चीजें हुई है, वो डिलीवरी हम कर रहे हैं, इसमें कहां परेशानी है? हम किसी लाभ और घाटे से काम, यही तो प्रॉब्लम है 15 साल में, हुआ क्या है? आपने हर मतदाता को लाभ और हानि और लाभ से देखा है, किस काम से लाभ होगा हम इससे नहीं देख रहे हैं, हमको लोगों के लिए जो उनके लिए जो सुधार करने हैं, जिस गुड गवर्नेंस की बात हम कर रहे हैं, जो एक्चुअल डिलीवरी की बात हम कर रहे हैं, जो मोदी जी ने पूरे देश भर के लिए कहा है, वो काम हम कर रहे हैं और उसको हम करते रहेंगे। इसमें कोई क्या सोच रहा है मुझे इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर चीज को अगर आप चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए, देखेंगे तो मुझे लगता है कि उसका जवाब उनको अपने आप समझना चाहिए। दिल्ली की शिक्षा जो सचिवालय है, उन्होंने कहा है कि सभी बच्चों को, और मैं तो दूसरा कहता हूं कि प्रधानमंत्री के भाषण को विद्यार्थियों को क्यों नहीं सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। देश के लोगों ने 15 अगस्त को सुना, और देश की जो नींव है वो प्राइमरी के बच्चे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि देश कैसे चल रहा है, उनको पता चलना चाहिए कि उनका प्रधानमंत्री कौन है, उनको पता चलना चाहिए कि बच्चे जो देश का आने वाला भविष्य है, उनके प्रधानमंत्री देश को कैसा बनाना चाहते हैं। ऐसा होना कि दिल्ली में या देश में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसमें सियासत होना तो ये लाजमी है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि सियासत कर रहे हैं, सियासत करने वालों को सियासत करनी है, हमको जो सेवा करनी है, हमको जो देश का काम करना है, वो हम अपना काम करते रहेंगे, हम सियासत की परवाह नहीं करेंगे, हमको जो सेवा करनी है वो हम करते रहेंगे। हमने कहा है कि सवाल नहीं पा रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, हमने उनको व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी कहा है, हमने पुलिस कमिश्नर को भी कहा है, उनको केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, दिल्ली का आम आदमी सुरक्षित रहे, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित रहे, दिल्ली में चुने हुए प्रतिनिधि सुरक्षित रहे, अगर चुने हुए प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो एक बात समझिए आप, भरोसा उठता है, विश्वास उठता है,
और ये आम इसलिए चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में, वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे वो किसी और दल के हो, सबकी सुरक्षा की चिंता दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए। और अगर किसी कोई एक एक पूरा प्लान बना करके कॉम्प्रिहेंसिव सोच के साथ इसकी चिंता करें, ये सवाल इसको मैं फेल का नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितना उसमें एफर्ट लगना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, उसका इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, उसका प्लान कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना करके अगर वो दें होम मिनिस्टर को, और जो उनको कराना है वो कराएं। देखिए विधायकों के हम कोई मांगने की बात नहीं कर रहे हैं, हमको सुरक्षा नहीं चाहिए, सवाल सुरक्षा का नहीं है, सवाल यह है कि सुरक्षा मांगनी या सुरक्षा मिलना या सुरक्षित होना, तीनों बातों में फर्क है। हर विधायक हर नागरिक सुरक्षित होना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि केस टू केस आप रिव्यू करें जिस चीज की जरूरत है, और ये तो विधानसभा में मुद्दा पहले ही उठ चुका है और उन्होंने कहा है कि सबको विधायकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन वो इशू कुछ आया कि इसका पेमेंट कौन करेगा क्या करेगा, इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ पेमेंट। हमारा सवाल यह है कि सभी दिल्ली में सुरक्षित रहें, इसकी चिंता करना लेफ्टिनेंट गवर्नर चूंकि सरकार कोई नहीं है और इसकी चिंता करना पुलिस का काम है।